बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना में बड़े बड़े बैंक्स इस वक्त हंगामी बेसिस पर, आप समझ रहे, अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब बैंक्स अंडरग्राउंड कैसे होते हैं, ये एक टर्म यूज होती है, यानी जितने बैंक्स हैं वो इस वक्त हंगामी बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हुआ ये है कि अमरीका इस वक्त मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहा है तमाम चीज़ों को, और अमेरिका मॉनिटर कर रहा है ये जितने बैंक्स हैं। उन्होंने कहा था जो भी रशिया के लिए ट्रांजैक्शन करेगा, एक ट्रांजैक्शन भी करेगा रूस के लिए, हम उस पर पाबंदियां आयद कर देंगे, ना वो फिर पाकिस्तान से ट्रेड कर सकेगा, ना वो यूरोप से कर सके, ना दुनिया से। अब वहां पर हंगामी बेसिस पर हुआ ये है कि तमाम बैंक्स इस वक्त जो ऑर्डर्स देने हैं रूस को, ये तमाम चीजें करनी है, वो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। अब अंडरग्राउंड काम का मतलब यह है कि जो पेमेंट करनी है रूस को, इसका पाकिस्तान पर असर क्या पड़ने वाला है? रूस को जो पेमेंट उन्होंने करनी है वो अब कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। अब वो कर रहे हैं दूसरे तरीके से, यानी किसी तरह वहां कैश भी जा रहा है, किसी तरह वहां क्रिप्टो में पैसा जा रहा है। क्रिप्टो क्योंकि चाइना के अंदर उन्होंने बैन कर दी थी 2021 में। अब असल में चाइना काम क्या करने वाला है और ये क्या सूरत हाल है? देखिए, असल में तो उन्होंने पाकिस्तान को देनी है सजा, चाइना को तो उन्होंने देनी है, लेकिन चाइना के साथ, याद रखिएगा, पाकिस्तान को सजा देने के लिए तैयार है। अब उन्होंने लगानी है चाइना पर पाबंदियां और चाइना ने इससे बचना है। ये खेल बहुत ही अहम शुरू हो चुका है। चाइना पर पाबंदी लगाकर वो पाकिस्तान को पैगाम देंगे कि तुम्हारा नंबर आने वाला है, चाइना तो बैंक से बच जाएगा या जो भी करेगा, तुम नहीं बच पाओगे। अब यहां पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली, जो ईरान के हवाले से। देखिए, हुआ क्या है कि चाइनीज इस वक्त कर क्या रहे हैं, अमेरिका को डॉच देना है इस वक्त चाइना ने। असल हुआ यह है कि पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हमारे ऑफिशियल्स जनाब गए हैं, वहां पर जाकर इन्होंने तकरीर की, और उसके बाद तो आप समझ रहे पाकिस्तान के अंदर कोई पागल ही होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा आकर। अब वहां दुनिया के सारे इन्वेस्टर बैठे हुए थे और हमने यहां पर यह बात की कि जी हमारा तो पावर सेक्टर तबाह हो गया है, बिजली भी नहीं है, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जितनी चोरी होती है दुनिया में कहीं नहीं होती। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी ना हम टैक्स इकट्ठा कर पाते हैं, टैक्स डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारे पास वो देने के लिए कर्ज के पैसे भी नहीं है, हम इस बहरान से कभी निकल नहीं सकते। तो कहा जी हमारा जो कर्जा मौत का शिकंजा बन चुका हुआ है, और हमारे यहाँ पर टॉप लेवल की जो शराफिया है, जो माफिया जो सारा मुल्क चलाती है, उन्हीं को सब कुछ पाला जाता है, उसका ख्याल किया जाता है, किसी और का नहीं। अब आप बताइए कि दुनिया में आप इन्वेस्टर के सामने ये बात कर रहे हैं, कोई पागल ही होगा इंसान जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। अब आप ये सोचें, ये है पाकिस्तान की हार। यानी उसके बाद हुआ ये है कि चाइनीज बैंक्स को इस वक्त अमरीका मोनिटर कर रहा है। अब चाइना के पास अपना पेमेंट सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पेमेंट सिस्टम ना तो यूरोप इस्तेमाल करता है, ना कोई और मुल्क इस्तेमाल करता है। अब अगर चाइना पूरे का पूरा अपना पेमेंट सिस्टम वहाँ पर यूज कर लाने का सिस्टम भी कर ले और इस्तेमाल करना शुरू कर, जो अभी उसने किया नहीं, इसको एक तो टाइम लगेगा, दूसरा दूसरे उसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला इस वक्त शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, चाइना का माल जाता है अमरीका, चाइना का माल जाता है भारत, उसका माल जाता है यूरोप, उसका माल जाता है मिडिल ईस्ट में। अब अगर चाइना के बैंक्स पर पाबंदी आयद हो जाएगी तो समझ ले ना तो पाकिस्तान में माल आ सकता है ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि बैन हो जाएगा वो। तो कोई भी मुल्क, देखिए हम करते हैं स्विफ्ट पेमेंट का, जो अमेरिका का सारा पेमेंट गेटवे सिस्टम है वही सारी दुनिया में यूज होता है। अभी चाइना ने अपना हालिया रूस को दिया हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह दुनिया में नहीं इस्तेमाल होता। चाइनीज बैंक्स इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि पाबंदियां ना लगे। अब अगर ये मामला शुरू हो गया तो फिर उसके बाद लड़ाई होगी चाइना की जानिब से, बड़ी भयानक लड़ाई होगी, फिर वो पाबंदियों का सिलसिला जो अमेरिका पर भी लगेगा। देखिए, अमेरिका असल में डूब रहा है, चाइना को ये बात पता है कि अमेरिका डूब रहा है, उसका कर्ज कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये खुद चाह रहे हैं कि ये डूबे और साथ अमेरिका को, यानी एक और चीज चाहिए कि चाइना भी डूबे। हम तो डूबे हैं सिर्फ, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। प्रॉब्लम ये है कि चाइना ये चाह रहा है अमेरिका डूब जाए, हम यहाँ पर ना डूबे। अब हालत ये है कि उनकी जितनी कंपनीज है वो, यानी अंदर खाते पूरी तरह लेन देन कर रही है, और ये चाइना की तारीख का सबसे बड़ा बहरान इस वक्त शुरू होने वाला है। कि उनके बात समझ नहीं आ रही कि कैसे उनको, यानी रूस के साथ तिजारत उन्होंने करनी है हर सूरत,
ये नहीं हो सकता अगर वो रूस को मिलिट्री कंपोनेंट्स ना दे तो वो आगे ईरान को नहीं देगा, ईरान तक नहीं जाएगा तो इसराइल और अमेरिका पूरा मिडिल ईस्ट खा जाएंगे, आग लगा देंगे मिडिल ईस्ट को। देखिए अगर ईरान यहाँ पर ना होता तो शायद तमाम मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त आग में झुलस रही होती। अब इसराइल ने जो प्लान शुरू किया था फिलहाल वो उसमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा और कोई उसको प्लान को इस वक्त कामयाबी मिलती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अब असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबके कान खड़े हो गए हैं। चाइना को अगर आप बैन कर देंगे तो आप पाकिस्तान को तो कच्चा जब आ जाएंगे। अब वो काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी स्पेशल टास्क फोर्स रखी है जो एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है कि गैस पाइप प्रोजेक्ट तो नहीं शुरू करें, ये ट्रेड तो नहीं शुरू करें। मसला हमारे लिए जो पैदा हुआ है आप यकीन कीजिए मौत के कुएं में इस वक्त पहुंच गए हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर उसको पैसा नहीं मिल रहा, ये याद रखिएगा, यानी जो लोकल है सतह पर वो जा रहा है उसको बाहर से पैसा नहीं मिल रहा, जो बाहर का इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा हालात की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान से आप गैस पाइपलाइन नहीं ले रहे, ईरान से आप बिजली नहीं ले रहे, तमाम चीज़ें नहीं ले रहे। अब हमारे लिए मसला ये पैदा हुआ है कि ना हम ईरान से ले पा रहे हैं तो हम करें क्या, फिर हमारे पास बिजली का बहरान, गैस का बहरान। इंडस्ट्री वालों ने कह दिया है कि आपने अगर हमें गैस सस्ती ना दी तो हमारी जो कंपनीज हैं वो चाइनीज ले जाएंगे। यानी ऑलरेडी कई जगह पर चाइना काम कर रहा है, बहुत सारी जगह पर इंडिया काम कर रहा है, ना हम बांग्लादेश को बीट कर सकते हैं और ना ही हम इंडोनेशिया को कर सकते हैं, ना वियतनाम को कर सकते हैं। हमारी बिजली महंगी है, हमारे पास गैस नहीं है तो हम करें क्या। अब ये बात अमेरिका को अच्छी तरह पता है, अमेरिका ने असल में यही काम करना है कि वो पाकिस्तान पर नजर रखे हुए। चाइना के बाद वो पाकिस्तान पर पूरी तरह पाबंदियां उन्होंने ड्राफ्ट तक तैयार कर ली है और सिर्फ उन्होंने ये देख रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान यहां पर नजर आता है, जैसे उन्होंने हालिया चाइनीज कंपनीज पर बैन कर दिया था, उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान को कह रहे थे हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम मिसाइल में जो मदद कर रहा है इसीलिए हमने बैन किया। अब यहां पर चाइनीज बैंक्स जो हैं वो बड़ा केयरफुली चल रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा गलत फैसला पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकता है। देखिए ये जो चाइनीज बैंक्स हैं ये पूरी दुनिया के अंदर जो माल जाता है ये उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर इन पर लग गई पाबंदी ना तो मिडिल ईस्ट में माल आ सकेगा, ना सऊदी अरब आ सकेगा, ना किसी और गल्फ कंट्री जा सकेगा, ना पाकिस्तान माल आ सकेगा। अब इन पर पाबंदी लगेगी तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा कि ठीक है ट्रांजैक्शन ही होगी या इन पर पाबंदी लग जाएगी तो इनके अकाउंट्स और इनका पैसा ये वो बुरी तरह इंटरनेशनल सतह पर मुतासर होगा। अब सोचे जरा पाकिस्तान में आप जो बैंक हैं उन पर पाबंदियां आयद कर दे, अब वहां पर जो लोगों के अकाउंट्स होते हैं यानी वो तो बुरी तरह तबाह हो गए, ना वो इस्तेमाल हो सकते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। अब यही जो पाकिस्तान में इन्होंने पाबंदियां लगानी है वो क्या है, वो यही पाबंदियां है ना कि पाकिस्तानी अपना एटीएम तक नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम जो पेमेंट गेटवे सिस्टम यूज करते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वो सारे का सारा अमरीका का है, तो अमरीका का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ना हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएंगे, और जब पाबंदी आयद हो जाती है तो कोई पेमेंट भी नहीं करता क्योंकि फिर वो भी ब्लैकलिस्ट होना शुरू हो जाता है। अब यही वजह है कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के लिए इतना तबाहकुन मामला शुरू हो गया है, इतना तबाहकुन मामला है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। देखिए आप IMF की शरायत मानने के बावजूद इस वक्त यानी हमने अभी फैसला किया है कि हमारे यहाँ पर जिन्होंने जो नॉन फाइलर्स हैं हम उनकी सिम बंद करने जा रहे हैं, उनके गैस कनेक्शन बंद करने जा रहे हैं, बिजली बंद करने, हो सकता है कल को गाड़ियां जब्त हो जाए उनकी और बहुत सारी चीजें, इस सारे का सारा मामला होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा हो जाएगा। यानी ये सूरत हाल है कि लोगों को हम कह रहे हैं कि आप टैक्स दें फलाना दें, लोग कह रहे हैं इनकम है नहीं टैक्स कहां से दें, यही ऑलरेडी इतना इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है और बड़े बड़े जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेज, यानी गरीब तबका टैक्स देता है और बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि आपके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि बाहर बैठे पाकिस्तानियों को कह दें कि किसी तरह पैसा ले आए, ये पैसा ना आया तो हम बिल्कुल कब्र में जा रहे हैं और इसके बाद तबाही इतनी ज्यादा होगी ना IMF या कोई और हमारा मैनेज ही नहीं हो। अब तो IMF भी पैसा दे दे तो हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। अब तो हमारे पास देखिए हमने IMF से पैसे ले रहे वही पैसे हमने IMF को वापस कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। IMF हमें पैसे दे रहा है, हम वही पैसे IMF को वापस करेंगे, भाई तुम्हारा कर्ज देना था। अब अगर चाइना के ऊपर ये पाबंदियां आयद होती हैं तो नेक्स्ट पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान पर खुदा ना खास पाबंदी आयद कर दी तो तबाही है। अब बताएं हमारे साथ क्या होगा, हम कहां पर खड़े होंगे।
यानी अगर हम ईरान से गैस लेते हैं, हम ईरान से ट्रेड करते हैं तब बैन, अगर उसके बाद हम नहीं करते तो मुल्क चलेगा कैसे, इन्वेस्टर तो आ नहीं रहा, मुल्क के अंदर अमन और ये तमाम चीज़ें नहीं है। सो लिहाजा ये सारे का सारा जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है ये इतना तबाहकुन हो चुका है कि मुल्क हमारा नहीं चला। और चाइना, देखिए चाइना को खाली वो टारगेट नहीं करने जा रहे, वो करने क्या लगे हैं, ये इंटरनेशनल स्तर पर चाइना को करेंगे टारगेट। चाइना के साथ वो हर उस मुल्क को टारगेट करने वाले हैं जो चाइना का साथ दे रहा है, ये बताने के लिए कि जो चाइना का साथ देगा, जो रूस का साथ देगा, हम उस पर पाबंदी आयद करेंगे, उसको हम पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। ये एग्जैक्टली काम ये करने जा रहे हैं चाइना के साथ। देखिए चाइना एक हद तक तो आप बच सकते हैं, आप अंडरग्राउंड कर दें, आप क्रिप्टो, अब चाइना ने क्रिप्टो बैन की हुई है यानी 2021 से, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा अब हम क्या करें। अब क्रिप्टो जाहिर सी बात है अमेरिका समेत दुनिया भर में चली, यहाँ पर वो बैन कर, अब उन्होंने कहा अगर बैन कर दिया है तो अब इसके ओपन करेंगे। देखिए अंदर खाते तो कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन इनको ऑफिशियली ओपन करना पड़ेगा, या तो वो अपनी डिजिटल करेंसी लेकर उसमें पेमेंट करें तो चले, फिर तो ट्रैक आप नहीं कर सकते। देन इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना और अमेरिका के दरमियान एक मुआशी जंग शुरू हो चुकी है, और ये मुआशी जंग इतनी खतरनाक है कि ये असल में सारी दुनिया को लपेट में ले लेती है अगर आप एक दूसरे के ऊपर मिसाइल नहीं भी दाग रहे। उधर आप ये देखिए ना, रूस ने कल काम क्या किया है कि अमेरिका को गुस्सा और ज्यादा चढ़ा है, उन्होंने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थे वो पहुंचाए यानी यूक्रेन को, और आगे रूस ने उन मिसाइलों को उड़ा कर रख दिया। यानी ये इतना बड़ा अमेरिका के लिए झटका था, एटॉमिक मिसाइल जो थे वो 6 उन्होंने उड़ा दिए, और वो यूक्रेन के अंदर उन्होंने यानी रखे थे, पहुंचाए थे, अमरीकी खुद भी गए थे ताकि वो मिसाइल उन्होंने रूस पर मार रहे थे, उनकी पोजीशन रिट करनी थी ताकि वो इस जंग को ना जीत पाए। अब प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि वो कह रहे हैं कि रूस ने जो मिसाइल तबाह किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की मरहूने मिन्नत है, अगर वो मिलिट्री कंपोनेंट्स ना देते तो रूस की इतनी कैपेसिटी ना होती। अब ये असल में उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये मामला क्या हो रहा है, और रूस अपनी टेक्नोलॉजी में धड़ाधड़ मारी जा रहा है इनको, और इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है। वहां कांग्रेस में ऑफिशियली ये चाइना के खिलाफ अब इकदाम करना शुरू हो गए हैं। देखिए मुस्तकबिल के अंदर ये जो नक्शा बनाकर बैठे हैं कि जो चाइना के साथ बिजनेस करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उस पर पाबंदी आयद करेंगे। अब बताएं कि चाइना के साथ आप जब लड़ाई करेंगे तो दुनिया सुकून में रह सकती है? चाइना अगर माल ना दे पूरी दुनिया को तो पूरी दुनिया तो वैसे ही तबाह हो जाएगी। यानी आप ये सोचें कि जब चाइना बंद हुआ था आज से 4 साल पहले, तो याद कीजिए पूरी दुनिया में क्या कोहराम मच गया था। चंद हफ्तों के लिए बंद हुआ था तो दुनिया में आसमान पर आज तक हम उस फेज से बाहर नहीं निकल पाए, चीजें आज तक महंगी है। आपने देखा नहीं दुनिया में महंगाई कितनी होगी? पाकिस्तान को तो खैर छोड़ ही देना, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है ना, हम तो छींक मारे तो छींक के बाद का जो टाइम होता पता चलता वो भी बिजली महंगी हो गई है। यानी आप छींक लेने से पहले और बाद के इन दोनों के दरमियान जो सेकंड्स है ना उसके बाद भी महंगाई बढ़ रही है, सेकंड्स में बढ़ रही है, ये सूरत हाल है। अब चाइना का सिलसिला बहुत ज्यादा अजीब हो चुका हुआ है कि चाइना अगर बंद हुआ या उस पर पाबंदियां लगी तो पूरी दुनिया में खाने का इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ट्रांजेक्शन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप जाएंगे कहां पर? अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये देखिए आपकी दहलीज पर जो माल पहुंचता है ये ट्रेडर्स होते हैं जो चाइना में ऑर्डर करते हैं, ट्रांजेक्शन होती है, माल मंगवाते हैं, शिप होता है, वहां से आता है। अब अमेरिका को इस बात का भी हालिया बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि हमारी सप्लाई चेन मुतासिर है क्योंकि हौसी हमला जो कर रहे हैं, तो ये चाइनीज और रूस ये वाले मजे कर रहे हैं, यानी रूस और चाइना के कंटेनर्स को हौसियों ने हाथ भी नहीं लगाया और हमारे कंटेनर्स और शिपिंग को मार मार कर बुरकस निकाल दिया है, तो उन्होंने बदला तो लेना है, तो वो बदला इस तरह लेने जा रहे हैं कि हम चाइना के ऊपर माशी पाबंदियां आयद करेंगे, चाइना को हम कब्र में पहुंचाएंगे और बाकी मुल्क उससे मुतासिर होंगे। देखिए अमरीका अपनी तबाही की आखिरी हदों को छू रहा है, सिर्फ अमरीका एक टिपिंग पॉइंट पर जा रहा है, और शायद आज आप नोट कर लें कि अगले 3 या 4 साल के बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसे कहते हैं दुनिया का बदतरीन टाइम जी रहे होंगे, शायद इससे बुरा टाइम नहीं होगा। और आज 2024 का जो टाइम है मई का, शायद हम ये याद कर रहे होंगे और याद करके ये सोच रहे होंगे कि वो टाइम कितना अच्छा था। अभी हमें लग रहा है कि दुनिया की डिफिकल्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, जंगें हो रही हैं, तबाही हो रही हैं, आज से 3 से 4 साल बाद दुनिया में इतनी तबाही हो चुकी होगी, मुआशी नई जंगें छिड़ चुकी होगी। देखिए अभी हालिया जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है
कि ईरान, इजराइल और उसके अलावा रूस, यूक्रेन वाला मामला यूरोप के साथ, और चाइना, ताइवान, और साथ उन्होंने एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया ये भी जंग आपके सर पर खड़ी है। बज़ाहिर आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिन्होंने दुनिया डिजाइन की है उन्होंने एक ही बंदे को लेकर आना है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और आप देखेंगे इस दफा शायद वो 400 का पलड़ा पार कर जाए। जब वो पलड़ा पार कर जाएगा तो उसने एक ही काम करना है, उसके बाद उसने ऑलरेडी इतनी लॉबी कर ली है। देखिए 5 साल तो वो नहीं जाने वाला, फिर उसने प्लान ये किया है कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर आना है, और उनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। यानी मोदी को और उसकी जो गवर्नमेंट है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि ठीक है अब चाइना पर वार करना। असल में अमेरिका और दूसरी ताकतें इनको कह रही हैं कि आपने चाइना पर वार करना है। वो कहता मैंने डायरेक्ट नहीं करना, मैं जब भी करूंगा मैं पाकिस्तान पर करूंगा, इसका सीपैक रोकूंगा और जाकर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम चीजें, इस पर अमेरिका और सारे मुत्तफिक है इंक्लूडिंग इसराइल। अब इसराइल को भी इस वक्त गुस्सा है चाइना पर शदीद कि वो रूस की मदद करता है, रूस ईरान की करता है, ईरान हम पर हमला करता है। तो इस वक्त याद रखिएगा खाली अमेरिका नहीं है, यूरोप भी सारा शामिल है, इसराइल भी शामिल है और तमाम दूसरी ताकतें शामिल है। और निशाना एक ही है कि चाइना को करना और चाइना के साथ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक को। देखिए हमारा, हमें तो बख्श दे, हम तो वैसे यार मरे मुके हैं, हमें क्या करना है आपने मारकर। तो आपने कुछ करना है तो कुछ अपनी साइड पर अपने जो हमनवा हैं या अपने लेवल के हैं मुल्क उनसे लड़ाई करें, हमें क्यों मार रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।